हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मैं आ रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ज़रा सा बीमार पड़ गया था, बट यहाँ पर जो है देरी नहीं हुई है। इसी सोच के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियोस में बात करेंगे हम लोग कि ऐसे कौन कौन से टॉप 5 WBJEE के अंदर कॉलेजेस हैं जिनको आपको काउंसलिंग में अपने टॉप 5 में रखने की ज़रूरत है। यस गाइस, चाहे आपकी रैंक जितनी भी आए, आपकी स्कोर जितनी भी हो, काउंसलिंग में बैठने से ये 5 कॉलेज आपको पहले टॉप पे रखने चाहिए। ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इनकी प्लेसमेंट्स, इनके सब कुछ, फीस सब लेकर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो नंबर 5th पे एक कॉलेज आती है जिसके बारे में सब लोगों को जानने की काफ़ी इच्छा होती है, जिसका नाम है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। सो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो लोग कहते हैं 2 नंबर पे आनी चाहिए, बट यहाँ पर 5 नंबर पे क्यों आ रही है, रीजंस के साथ जो है आज की वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको कह दूँ, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग को कैंपस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, ओल्ड कैंपस है, खूबसूरती जो है आपको पुराने ज़माने की मिलेगी, और आपको हॉस्टल्स की जो हालत है पुराने ज़माने के देखने को मिलेंगे। एडवांसमेंट में जो है अभी भी कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़रा सी कमी है, बट आपको प्रोफेसर, टीचर और जहाँ पर एडुकेशन जो है काफ़ी फर्स्ट क्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि काफ़ी गेट रैंकर्स लास्ट टाइम देखने को यहाँ से काफ़ी अच्छे मिले हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस कॉलेज की फ़ीस की। तो फीस, जैसे कि आपको पता है ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो यहाँ पर जो है 30,000 से लेकर 60,000 तक इस कॉलेज की फीस है। पर अगर आपको IT ब्रांच चाहिए तो आपको 1,00,000 रुपए तक देखने को मिल सकता है, पर TFW वाले काफ़ी कम में यहाँ पर जा सकते हैं। कॉलेज के एक और ख़ास बात, अगर SC ST कैंडिडेट होते हैं, ST कैंडिडेट स्पेशली, उनकी काफ़ी ज़्यादा रैंक तक इसमें जो है एडमिशन हो जाती है, तो आपको पता है कि कोटास के द्वारा यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। जिससे एक और बुरी बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं होते, तो मतलब अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते तो आप इस कॉलेज में नहीं जा सकते। बात करें प्लेसमेंट्स की, तो गाइज लास्ट ईयर इसका हाइएस्ट प्लेसमेंट 41 लैक्स मतलब पर एनम देखने को मिला था, बट अभी की बात करूं तो इस दौरान पे जो है कॉलेज को भी क्रेडिट दिया जाता है। और साथ में मैं बात करूं कॉलेज की, तो यहां पर आपको इन कैंपस 10 लैक्स की हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगी, और एवरेज पैकेज तो वही 4 LPA देखने को मिलता है। बट अगर यहाँ पर एक और बात करें कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स कॉलेज का काफ़ी ऊपर देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो CSE 4,000 तक बंद हो जाता है, भगवान की शुक्र रही तो 5,000 देखने को मिलेगा, बट अदर ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पर कभी कभी 8,000 देखने को मिलता है मैकेनिकल ये सब, या फिर कभी कभी हमें 10-12,000 भी देखने को मिलता है। सब डिपेंड करता है फ्रेंड्स, वो डिसेंट्रलाइज पे लास्ट में जाकर ख़त्म हो जाती है। अब चलिए बात करें तो नंबर 4 कॉलेज की, और ये भी है एक गवर्नमेंट कॉलेज। अब भैया आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज तो कह रहे हो पर आउटसाइडर अलाउड नहीं है, बट मैं आपको कह दूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आउटसाइडर अलाउड है। 4 नंबर पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी आती है, जिसकी बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास एडुकेशन देखने को मिलता है। बात करूँ यहाँ पर फीस की, तो सिर्फ आप 2,000 से लेकर 10,000 रुपये टिक के अंदर अपनी कॉलेज की डिग्री पा सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग आपको 10,000 के अंदर देखने को मिलेगी, आउटसाइडर्स भी अलाउड होते हैं। बात करूँ NIRF रैंकिंग की, तो यहाँ पर आपको नंबर 7 पे देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग कैटेगरी में नहीं फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। तो यहाँ पर जो है एक अच्छी कॉलेज की रेप्यूटेशन देखने को मिलती है। अब बात कर लूँ यहाँ पर कि आपको हाइएस्ट पैकेज कितना देखने को मिलता है, तो कॉलेज जो है अपडेट नहीं करती है, पर अगर बाहरी की बातें करूं तो 10 से 15 लाख के अंदर यहां पर हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है, बट ये जो है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जब तक क्या है कि कोई प्रूफ नहीं होता मैं इसे वीडियो पे नहीं शो कर सकता, तो ये सब अपनी जो बातें हैं। तो यहां पर जैसे कि बात करूं एवरेज पैकेज की, तो आपको 4 लाख देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स में यहाँ पर एक और रिव्यू आता है कि काफ़ी प्रोफेसर अच्छे क्लासेस के होते हैं, तो काफ़ी बच्चे जो है ऑप्ट करते हैं हायर एडुकेशन, सिर्फ उनसे प्रेशर भी नहीं होता क्योंकि कॉलेज की फीस तो होती ही नहीं है। अब बात करूं यहां पर एक अच्छा सा कैंपस देखने को मिलेगा आपको, और जो है काफी खूबसूरती देखने को मिलेगी। पर एक बुरी बात इस कॉलेज की यह है कि कॉलेज में सिर्फ इंजीनियरिंग शुरुआत हुई है 2015 से, तो आपको ज्यादा एलुमनी देखने को नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये एक कॉलेज काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है आपको। बात करूँ इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स की, तो गाइस प्लेसमेंट्स आपको यहाँ पर टॉप क्लास देखने को मिल सकता है, क्योंकि 110% की यहाँ पर प्लेसमेंट ज़रूर हो जाती है। बट कैंपस की बात करें तो जितनी अभी तक कॉलेज मैंने बताए, इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा कैंपस आपको यहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आपको यहाँ पर 90 से 80 एकड़ का ज़मीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉ कॉलेज है, स्कूल है हेरिटेज, और उसके साथ साथ कॉलेज है।
पर बात करूँ इस कॉलेज की, तो कॉलेज जो है काफ़ी वास्ट एरिया पे है और काफ़ी फुटबॉल ग्राउंड से और ये सब कुछ है। एक जो ब्यूटी होती है कॉलेज की वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है तो सारी सुविधाएं भी आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। इस कॉलेज की फ़ीस की, तो गाइस फीस यहाँ पर काफ़ी नॉमिनल है, सिर्फ ओनली 4 लाख लगता है। पर अगर आप TFW से जाते हैं तो वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और तरीका बताऊँ इसमें एडमिशन का, वो है मैनेजमेंट कोटा, जहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस देकर इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। पर अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जाना चाहते हैं, पूरी नॉलेज आपको नहीं है, तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक और टिप्स देने वाला हूं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज में कि NIRF रैंकिंग इसकी 154 है। और बात करूं यहां पर प्लेसमेंट्स की, तो यहां पर हाईएस्ट पैकेज जो लास्ट ईयर देखने को मिला था वो 26 लाख था, और ऑल टाइम हाई कहें तो 39 था, पर वो सारे ऑफ कैंपसेस थे। इन कैंपस की बात करूं तो काफ़ी TCS, विप्रो, ये सारे टेक जाइंट्स तो आते ही हैं, काफ़ी अच्छी कंपनीज भी आती हैं, और सारे अदर ब्रांचेस में भी कुछ ना कुछ कोर कंपनीज आती ही रहती हैं। यहाँ पर बात करें तो गेट रैंकर्स भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं इस कॉलेज से। कॉलेज की एक और खास बात, यहाँ पर कोई ड्रेस का सेंस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज होते हुए भी, तो आपको कोई अलग सा ड्रेस नहीं पहनना, आप कैजुअल में जा सकते हो। ऑटोनोमस कॉलेज है, आपको ये कॉलेज मकाउट से अफिलिएटेड ज़रूर है, पर ये ऑटोनोमस कॉलेज है। इतनी सारी जो तीनों कॉलेजेस मैंने बताया उनमें से सिर्फ कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक मकाउट का कॉलेज है, अदरवाइज सारे ऑटोनोमस देखने को मिला। और सिम्स की कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक अपनी यूनिवर्सिटी है, तो उनकी अपनी पेपर्स होती है। तो फ्रेंड्स इतना में तो आपको जो है क्लैरिटी हो गया होगा कि इन तीनों कॉलेजेस में ऐसा क्या डिफरेंस है और क्यों कल्याणी जो है नंबर 5 पे जाती है, क्योंकि खूबसूरती जो है कैंपस की वो जरी सी गिर गई, प्लेसमेंट्स में ज़रा सा गिर गया कॉलेज, और सबसे ज़्यादा आउटसाइडर अलाउड नहीं करते। पर यहाँ पर जो है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राइवेट होते हुए आउटसाइडर्स अलाउड रहेंगे, और NIRF रैंकिंग भी है कॉलेज की। अब चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नंबर 2 कॉलेज की। तो ये आपको कॉलेज देखने को मिलेगा, इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, दैट इज IEM कॉलेज। इस फ्रेंड्स इस कॉलेज का जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप रहता है ये कॉलेज, सिंस अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि IEM एक अलग सी कॉलेज है कंपेयर टू एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM एक अलग सी कॉलेज है। IEM कॉलेज में आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना पड़ता है, जहाँ पर IEM अभी 2 सालों से ऑटोनोमस हो गई है और वो UEM का मिलाकर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लेती है। पर यहाँ पर UEM वाले स्टूडेंट्स भी वही एग्ज़ाम देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लगता है, शायद मुझे उतना एग्जैक्ट नॉलेज ना हो। यहाँ पर IEM की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलती है। इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है कि 36 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला, जहाँ पर वो 8 स्टूडेंट्स को अमेजोन में प्लेस कर पाए। और यहाँ पर जो है उनकी वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन है, पर एवरेज पैकेज की बात करें तो ओनली 4 लाख आपको देखने को मिलेगा। बात कर लूँ यहाँ पर कैंपस की, तो कैंपस बोले तो चीटी के बराबर है, मजाक कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर जो कैंपस है वो काफ़ी छोटी है, एक बास्केटबॉल ग्राउंड और आपको कॉलेज में बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, बट कॉलेज ने आप लोगों के पैसों के बदौलत एक अलग सा एरिया भी ले रखा है। इस साल आप इंजॉय ज़रूर नहीं कर पाएंगे, पर आपके आने वाले बैचेस जो होंगे वो ज़रूर वहाँ पर इंजॉय ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लूँ कॉलेज की फ़ीस की, तो फीस आपको यहाँ पर काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, 6 लाख से लेकर 7 लाख के अंदर, कभी कभी 5 लाख to 7 लाख कहूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो काफ़ी पहले 101 था, अब जो है NIRF रैंकिंग गिर के 192 या 94 हो गया है, तो हो सकता है कि कॉलेज की ज़रा सा डिग्रेडेशन आई है। बट यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस कॉलेज की कट ऑफ तो 5000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप इस कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं ECE ब्रांच, अगर आपको CSE चाहिए तो 2-3 हज़ार। और बात कर लूँ यहाँ पर काउंसिलिंग से, आपको अगर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी जाना था तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर रैंक लगेगी अप्रॉक्सीमेटली सेम, 2-3 हज़ार में आपको CSE और 5000-8000 तक आपको यहाँ पर ECE ब्रांच देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कॉलेजेस में जो है IEM और UEM दोनों में आप मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक फॉर्म नीचे लिंक कर दूंगा, आप उस फॉर्म को भरें और जो है कल या परसों से आपको जो है कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी नंबर 1 कॉलेज की, और बात करूँ इस कॉलेज की सबसे खास बात कि ये दुनिया में सबसे सस्ता कॉलेज है। यस फ्रेंड्स, ये सिर्फ आप लोग को $100 to $120 में आप लोग को इंजीनियरिंग की डिग्री फ्री में दे देता है। इसका मतलब है 9600 रुपीज़ में
बात करूँ इस कॉलेज की कैंपस की, तो कैंपस आपको काफ़ी छोटा और मीडियोकर कह सकते हैं, 80-90 एकड़ का देखने को मिल सकता है। कैंपस जो है सॉल्ट लेक में शिफ्ट हो गया है, तो आप लोग को और मज़ा आने वाला है। बात करूँ यहाँ पर काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में आपको अगर CSE चाहिए तो 100 से लेकर 120-130 रैंक तक आपको लगेगा। और यहाँ पर बात कर लूँ प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट जो लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 58 लाख का जो है हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला था, हो सकता है कि वैरी हो। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पर 11 LPA देखने को मिल सकता है आपको। यस फ्रेंड्स, 11 LPA, 10 to 11 LPA, इंटर्नशिप्स और सारे अपॉर्चुनिटीज़ इस कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। कॉलेज की स्टैंडर्ड की बात करूँ तो एकदम टॉप क्लास है। बात कर लूँ यहाँ पर NIRF रैंकिंग की, तो ये आपको 19 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात कर लूँ कॉलेज की कैंपस एरिया की, तो 96.5 एकड़ देखने को मिलता है। तो बात कर लूँ इस पर्टिकुलरली जादवपुर यूनिवर्सिटी को कंपैरिजन करूँ ये सारे कॉलेजेस, तो ये सारे कॉलेजेस तो एकदम फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें सबका एवरेज पैकेज 4 लाख है, बट इसका जो एवरेज पैकेज काफ़ी हाई है। सिमिलरली जादवपुर में एडमिशन लेना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप ST स्टूडेंट हैं तो काफ़ी ज़्यादा में ही आपका एडमिशन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सब कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है कि आप लोग देख सकते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, बट इससे जो है कोई इशू नहीं होने वाला। आपको जो है आपका बेस्ट देना है। 90% ओनली सीट्स होती हैं जादवपुर में। जादवपुर की एक अलग से एलिजिबिलिटी होती है, उसकी जो वीडियो है जादवपुर की क्या ऐसी एलिजिबिलिटी है, कैसे कितने मार्क्स चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा वो वीडियो। और साथ में बात कर लूँ यहाँ पर रैंक वर्सेज मार्क्स की, तो वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और फ्रेंड्स, माफ़ी मांग लेते हैं आपसे एक बार और, वीडियो जो है ज़्यादा अपडेट ना होने के और इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज रिप्लाईज ना देने के, बट अब से मैं ज़रूर आप लोग की जो है हेल्प करने की मदद करूंगा। अब तक आज यही करते हैं आपको इस वीडियो को ख़त्म। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमें, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा। आप जो है मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड कोई क्वेरीज या फिर आपको काउंसलिंग करवानी है फुल्ली जो है हमारी मदद से, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारे एक फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो है हम कॉल कर लेंगे और इसके बाद आपकी क्वेरीज़ को सुनेंगे, और जो इतनी मदद हो सके मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग जो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं आपको अलविदा, बाय।